तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आ चुका हूं आज एक और नए वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके मक्का की जो रंग है वह पीला क्यों पड़ रहा है, उसके पीला पड़ने का क्या कारण है और उसे आप किस तरह से ठीक कर पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जानने के लिए आज देखिए हमारे वीडियो को। इससे पहले मैं बता दूं कि यार आपके भाई को सपोर्ट की ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पीलापन के बारे में। देखिए किसान भाई, आजकल के जो समय है पीलापन हर क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसी में से हमारे एक सब्सक्राइबर है सौरभ कुमार, इन्होंने पूछा है कि NPK 99 से स्प्रे करने के बाद मक्का पीला क्यों हो रहा है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई, अगर जिससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उससे क्यों स्प्रे कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो जो मेडिसिन है वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी मेडिसिन ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई और कारण हो सकता है उसका स्प्रे करने के लिए। तो मैं बात करूंगा कि मक्का में जो मुख्य रूप से पीलापन है आप उसे किस तरह से आसानी से दूर कर सकते हैं और कम खर्च में। जी हाँ फ्रेंड, कम खर्च में आप अपना मक्का का जो रंग है 100% वापस ला सकते हैं, 100% अपना पीलापन जो है आके आप उससे दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ मेडिसिन की बात करते हैं। तो यह जरा सलाह एक पाउडर के रूप में है मेडिसिन, जो कि आप हम जो है आपको दो प्रकार के पाउडर के नाम बताएंगे, जिसमें से नंबर एक पे है जो बहुत अच्छा काम करता है, वो नंबर एक पे है सूर्या जिंक। इसका जो प्राइस है वही 80-90 रुपए के आसपास में आता है और इसमें जो होता है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 200 ग्राम पाउडर होता है इसमें। जी हाँ, इसका उपयोग कैसे करना है, 30 लीटर पानी में एक पैकेट को मिला देना है और उस पानी से आप अपने खेतों को स्प्रे कीजिए। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में आपके मक्का के जो है रंग है वापस आना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नंबर दो पे जो पाउडर है उस पाउडर का नाम है कोहिनूर। जी हाँ फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यह कोहिनूर जो है, इसमें भी वही 250 ग्राम होता है, इसका भी प्राइस लगभग उतना ही 70-80 रुपये पड़ता है। तो इसे भी आप उसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे भी एक ढोल पानी में, जो एक ढोल होता है ना आपके पास, यदि 15 लीटर वाले ढोल हो, आप देख पा रहे होंगे इस तरह के ढोल, आप इस ढोल में आधा पैकेट को मिलाकर अपना खेत को स्प्रे कीजिए। मतलब एक पैकेट को जो है आप अपने 10 कट्ठा खेतों में आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ और अन्य मेडिसिन जैसे कीटनाशक हो, विटामिन हो, उसे भी आप इसमें मिलाकर दोनों को एक साथ आप अपने मक्का को जो है स्प्रे कीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई रंग की हानि नहीं होगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।